नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सौमेंद्र तोमर ने आज डीवी इंटर कॉलेज में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि योग मन मस्तिष्क को संतुलित रखता है और स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन हमें योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग निरोग रखता है और मन मस्तिष्क को संतुलित रखता है और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में योग किया जाता है। उन्होंने कहा कि योग के द्वारा हम बहुत से रोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। स्वयं योग करें और अपने परिजनों व आसपास के लोगों को भी योग के प्रति प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत के निर्माण में योग एक अचूक मंत्र है। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीनतम परंपरा रही है। ऋषि मुनियों के द्वारा भी योग की शिक्षा दी जाती थी और प्राचीन ग्रंथों में भी योग के महत्व के बारे में उल्लेख है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने कहा कि योग हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अचूक मंत्र है। उन्होंने कहा कि योग से शरीर के अंदर एक नए स्फूर्ति का संचार होता है और हमारा शरीर निरोगी रहता है। मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं व परिवार के साथ योग अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग एक आध्यात्मिक ज्ञान है, साथ ही इंद्रियों, शरीर व मस्तिष्क पर नियंत्रण रखने की भी कला है। इस अवसर पर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, मुख्य विकास अधिकारी संदीप भांगिया, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व गजेंद्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट विकास कश्यप, एसडीएम निकिता शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा सुधीर सैनी, अभिषेक चौधरी, अचिंत मित्तल, बड़ी संख्या में समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे मैं अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आज के इस शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनके आशीर्वाद से और उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मैं उनका धन्यवाद करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर, हमारे आयुष मंत्रालय के लोग, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग्स और पतंजलि के सभी योग साधकों के द्वारा यहाँ पर योग कराया गया और मुजफ्फरनगर के सभी सम्मानित नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और स्वस्थ रहते हुए हम लोग समाज की सेवा कर सके, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, यही निवेदन मुझे सभी से करना। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।